बचन बाबा अजय सिंह जी महाराज दिल्ली दरबार तारीख 5 फरवरी 1999 श्री नानक देव जी की सर यूनिवर्सिटी पर सात संगत जी और श्री वाहेगुरु जी का सार श्री वाहेगुरु जी की फतेह सात संगत जी और इस दरबार तो दिव्य सेवा लंगर साहब की लगती है हर साल की तरह और डेरा साहब पुण्य वाले दिन तक 5 दिन लगनी है उसके प्रबंध सारे हो गए हैं जिन्हें जिन्हें जाना है डेरा साहब वीर जी ने दस्या है वो अपने नाल अज कल के अंदर जरूर लिखा दें क्यों उत्थे बहुत सारे इंतजाम करने होंगे हैं और उस सेवा का कुंभ जरा चाहता है बिना दुख अच्छे ठीक होने तो रह जाते हैं उत्थे जाके ठीक हो जाते हैं दुखों कारण असी लोग इस दरबार आते हैं दुख लेंदे हैं नाम जिस वेले तारा साढ़े पिंड से पैंती है तो साड़ी आत्मा से पैंती है वो तारा अमृत रहे जेड़ा के पक्ष द्वारा इतना प्राप्त होंगे है उसके साहब श्री गुरु नानक देव जी की दादी कृपा से ज्ञानता होंगी है आप जी सारी संगत को पता है कि इस दरबार के 30-32 वरे तो चल रहे हैं और इन 30-32 वरिया मैं फील करता कि बहुत सारे लोग राजी होके खुशियां मान रहे हैं और कई जिन्हें बचना अनुसार नाम की तारा नू अपना लिया तो वो राज करते हैं उन्होंने कमी नहीं है दौलत की उन्होंने कमी नहीं है और किसी संसारी चीज की और नाम भी जपते हैं तो सुख भी प्राप्त करते हैं ये दरबार सच की तारा से निष्कामता की उदारता से प्यार की वरतों पर चल रहा है ये तीन निशाने तब इकट्ठे होंगे हैं जिस वेले के सच्चे पातशाह की अपार कृपा रहा करती है अकाल पुरख दयालता का एक छोटा जहा पैमाना है वो हर एक असी इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि सच्चे पातशाह की किस जगह की दयालता है पहला पैमाना सब तो यह है कि जिथे मिलिया बैठिया विचरदिया मन दे विच शांति आनी शुरू हो जाती है प्यार आना शुरू हो जाता है
पर मन की अवस्था में यह संकल्प आने शुरू हो जाते हैं कि इतों साड़ी उदारता हो जानी है। वसते हैं सच्चे पातशाह हर जाए सर्वव्यापक हैं, हर चीज हर जी अंश असं देख नहीं सकते संसार की उसके विच भी वो विराजमान हैं। तो जे मैं कहा कि इतने जास्ती या खास करके उधारता है, हो सकता है इतने बहुत ज्यादा जगह पर भी उधारता हो, पर बचना अनुसार उन्होंने प्यार की तारा देख के मन में यह महसूस होता है कि इतने इन्ने इन्ने दुखी आए और केवल अमृत ज्योति इतों निष्काम का हिसाब के साथ बटते हैं, उन्होंने कोई उजरत नहीं है, उन्होंने कोई इबजाला नहीं है, उन्होंने भी वरतों नाल साढ़े दुख कलेष संसारी काटा परिवारों में वाधे ये सब कुछ समय से हासिल होंगे। सच्चे पातशाह ये कृपा ही होया करती है, हर एक नूं इह अवस्था प्राप्त नहीं होंदी। असीं संसारी जीव हाँ, कलयुगी जीव हाँ, साडे मन दीआं सोचां च आपो ताप ही दिसदी है। इह आपो ताप जिन्नी देर तक अवस्था तो नहीं जाती, नाम नहीं जपया जा सकता, सच्चे पातशाह के चरणों के नाल जुड़िया नहीं जा सकता, सच्चे पातशाह की आशीर्वाद नहीं मिली जा सकती। जे आशीर्वाद देंदे भी हैं तो साड़ी चोली नहीं अड्डी हुई होंगी तो असी सखने के सखने रह जाते हैं। तुम देखोगे, देखा भी होगा कि इतने केवल निशान साहब से अरदास करने की लोड़ है। तो थोड़ी प्रार्थना जी है, थोड़ी अरदास जी है, उसकी सुनाई हो जाती है। जी चीज दरबार मिलती है, आप जिन्हों एजुकेट करके मिलती है, वो उस दे उत्ते सोने पे सुहागा हो जाता है। असि सारे अमृत को सुचा रखते हैं, अमृत को बड़ा आदर सहत रखते हैं, अमृत के नाल जैसे सवेरे स्नान करते हैं, सच्चे पातशाह के चरणों के विच ध्यान रखते बड़े प्यार और सत्कार के नाल सच्चे पातशाह नूं आवाज मारते हैं, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ये शब्दों के नाल असी इशनान कर लें, इशनान करके वस्त्र पहन लें, बाथरूम तो बाहर आ जाने। इसी प्रकार बारों बारी सारा परिवार इशनान कर लेता है, तो जिस वे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो कटोरिया के विच अमृत जल पा लिया जाता है और उसने सुचे जल के नाल बढ़ा के धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कह के बड़े आदर नाल, बड़े प्यार नाल, बड़े सत्कार नाल, बड़ी श्रद्धा के नाल, बड़े भरोसे के नाल उसने पी लिया जाता है। सवेरे पीने हाँ, राती सौण लगे पीने, रात में सौण लगे अमृत जल पी के की करते हैं, सच्चे सतगुरु के चरणों से जुड़ जाने हैं, ये शब्द आखते हैं, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? जिस वेले असी उन्हों का नाम लैके आवाज मारते हैं,
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ ਮੋਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸੈਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਹਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੂੰਦਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਛਿੱਟੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਆਸਾਇਸ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਟਅਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਥ੍ਰਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ
संसार दे मना दे विच अजकल अजे विचार और विश्वास हैं कि जे कोई भी स्थान सुचज्जा नहीं बनया हुआ सुंदर नहीं बनया हुआ तो वह संसार में खिंच नहीं पा सकता। सात संगत जीओ मैं तो अपनी जिंदगी च देखता कि जिस वेले संसार हार थक हार के कितों कोई मन नहीं जा दुख कलेश दूर नहीं होंदा तो वह इथे आता है तो इथों वह सुखी होकर चला जाता है। सेवादार जो अपनी सेवा करते हैं वह भी सच्चे पातशाह के नाम रंग हो जाते हैं। जेड़े नाम लैके सेवा करते हैं उन्हों का रुतबा चढ़ जाता है उन्होंने कारोबार चढ़ जाते हैं। तो जेड़े दिखावे की मात्र आते हैं दिखावे की मात्र शो करते हैं तो उन्होंने काम मैं गरंटी नहीं कर सकता हम यह स्थान क्यों जो हो गया। यह स्थान इस प्रकार का हो गया कि इतने जी सात संगत आ रही है उसने नाम जरूर जपना है। जे नाम जपना है तो किसी ने दस नहीं लाने जेने नाम जपना है उसने किसी का हक नहीं खोना जेने नाम जपना जपना है उसे उसने किसी का बुरा नहीं टकना। उसके मन के अंदरों एक भाव उठ जाते हैं कि मैं इन इसका बदला जरूर लेना माफ करना क्यों जिस बच्चे ने पता कि मेरा घर पिता बली है मेरा पिता तनी है मेरा पिता सब कुछ कर्म करावना है तो वह बच्चा कहता अच्छा चल कोई गल नहीं तू सुखी रह लेखे होंगे रहेंगे तो की देखते हैं कि जोड़ा ज्यादती करता वह सुखी होया देखिया नहीं गया भावे उसने थोड़ी देर के वास्ते किसी नजायज फायदा ले लिया लेकिन वह अगे उस नजायज फायदे का देनदार है और वह देनदारी चट प्रगट हो जाती है बहुता समा वह नहीं लगती। अस कितने बैठे हैं अस कि स्थान पर बैठे हैं असं कि संगत में बैठे हैं असं कि प्यार बैठे हैं असी सच्चे पातशाह की गोद में बैठे हैं। सानू लोड़ नहीं हो संसार के नाल जे कोई करेगा वह अजय कर लेगा जे अगर कर्म करेगा वह अजय मिलते जाएंगे लेकिन इतने आके साढ़े मन जे सात संगत आके एकादर कर लें और सात संगत वो कोई ना कोई बखी हुई आत्मा होया करती है हर थाई होया करती है। मैं यह नहीं कहना इतने हर थाई होया करती है और कमी कोई नहीं है जे असी उन्होंने नाल एकमिक होंने तो उन्होंने जो भी कुछ प्रकाश या जो भी कुछ उन्होंने गुणा दे अनशन असी उन्होंने नाल एक रहो के जो करते हैं वो सानू भी मिलते हैं। इतने आप किन्ने प्यार और सत्कार के नाल कीर्तन सुनते हैं प्यार और सत्कार के नाल सेवा करते हैं प्यार और सत्कार के नाल साध संगत नू बाहां अड़ के खलो के रिसीव करते हैं उन्हां दी सेवा विच खलो जाने हाँ अपने आप नू छड़ दिंदे हाँ अपना नहीं सोचते असी की करना है की नहीं करना ते असी अजिही सात संगत दे प्यार दी उदारता दे नाल असी भी उन्हां दे नाल जुड़ के ओही रकम जिहड़ी कि उह बनना चाहुंदे असी भी बन जांदे आ। सो इस दरबार दे विच देखिया गया है कि जे असी सही हिसाब ना आ रहे हाँ करों असी खिच नाल आ रहे हाँ करों असी धन गुरु नानक करते तुरे जा रहे हाँ आ रहे हाँ उसका की मतलब हो जाता है कि साढ़े दुख कलेश इतने आन तक लंगर छकन के नाल जान तक
बहुत सानू आराम दिसदा है। जे असीं देखने आए तो असीं देख के चले जाते हैं, असीं लिया कुछ नहीं। सगो हो सकता है कि साडे मन की उदारता देखने की भी कई किस्म की होया करती है, एक प्यार की होया करती है, सत्कार वाली होया करती है, नेम वाली होया करती है। वो देख के वो भी साडे संगी साथी हो सकते हैं। क्यों? गुरबाणी की उदारता ते सुनिया मनिया मन कीता पाओ। जब तक किसी पासों असी कोई गल सुन रहे हैं, सुनना लवे फलाना उथे एडा फलाना तो असी चल पाए हैं, चलो अपनिया घाटा जाके उथे देखते हैं कंपेयर करके, तो फिर जे साढ़े नालों वो कुछ चेहरे है तो सानू सत्कार आ जाता है, तो असी उस स्थान पर दोबारा आना मंगते हैं। वो दोबारा की रेपीटेशन इस प्रकार की हो जाती है कि कई तो नाम दे पुजारी उथे उथे फस के रह जाते हैं, उथे बैठ के अपने नाम की उदारता लेंदे हैं, आते हैं निशान साहब से मत्था टेकते हैं, तो नाम की वड्याई पले पवा के अपने घर मुड़ते हैं। तो नाम की वड्याई जी इतों मिलती है वह अपने बच्चों के तकसीम करते हैं, तो उन्होंने बच्चे बच्चे आपो ताप नहीं करते, उन्होंने बच्चे भी नाम की उदारता से चलना मंगते हैं। छोटी जी गल तो हो ही ना, बहुत वड्डी गल हो गई। जे इत्थे ये कुछ है, ये भी देखा गया है कि जिहड़ा पैर करके आया है उसनू दंड भी बहुत मिलिया है, उसनू दंड भी बहुत मिलिया है। और वह दंड इस तरह जिस तरह असं कह दें कि चोरों के घर दीवे नहीं जलते, जिहड़ी श्रद्धा लैके आता वह डुबदा ही है, वह अपने आप को पहला उस टोल के सुट लैंदा है तो मुक जाता है, तो बाद गल कोई हो जाती है। इस दरबार के अंदर मैं सुन के आश्चर्य होया, मैं तीन चार दरबारों को सुन गया कि इस दरबार के कोई बंदा ऐसा आता है जिहड़ा कोई जेब कतरा लगता है, जिहड़ी भैड़ी आशा के नाल तुरे आ रहा है, मैं उसनू दुर्वचन नहीं कर सकता, मैंने हुक्म नहीं है। क्यों? ये जिहड़ा दरबार है ये भलाई वास्ते है, ये जिहड़ा दरबार है इत्थे सेवा ही है, किसी का बुरा नहीं, असीं बुराई नहीं तक सकते किसी की भी। क्यों? अस तो मंगते हैं, मंगते ने की करना, बैगर्स आर नॉट द चूजर्स। जो मंगते हैं उन्होंने अपने मन की व्यवस्था तारा जिस पास चलती है उन्होंने मंग मंगनी है। साडे मन की तारा नाम वल चलती है, प्यार वल चलती है, सत्कार वल चलती है, सेवा वल चलती है, तो असी यही चीज मंग सकते हैं। लेकिन जड़े अजिहे आदमी हैं उस प्रकार के आते हैं, मैं कहने तो संकोच नहीं करांगा, उन्होंने कुछ ज़ारा तौर पर कमा लिया कि घर में चीज चक्के लै गए, लेकिन उन्होंने घर के खलबली खलबली पई रहेगी जब तक वो चीज़ वापस नहीं करते और जब तक उन्होंने कई गुणा खर्चा ज्यादा नहीं हो जाता। हूँ आप सोचिए तो क्यों ये इस तरह करिए? मैं तो यह फील करता कि असी दरबार के किसी कोने में भी जोड़ा ला दीए जब कोई चीज रख दी उत्थे दी उत्थे पई रहे, और ये समा आना है साध संगत जी, ये युग आ रहा है, कल युग जा रहा है, और बहुत छेती आ रहा है, बहुत छेती तुसी देखोगे की होना है, खून खून होना है, अखां विच जिस वेले देखी रहा खून खून देखी रहा है, इतने हाय हाय हो रही है, उत्थे हाय हाय हो रही है, उत्थे हाय हाय हो रही है, तुसी देखते रहो, लेकिन इसकी मात्रा वध जानी है, हो रोकिया रुकनी नहीं है। मैं छह सत वरे पहला आप जी वचन किए कि संसार के क्रॉस होने वाला है, और इस वेले किसी पास नजर मार के देख लो संसार से, कोई जमीन की जमीन का हिस्सा देख लो, उत्थे कल 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 आपो ताप कोई जा रही है,
किसी वास्ते कोई नहीं सोचता, कोई किसी वास्ते चंगी गल नहीं सोचता, कोई किसी पर रहम नहीं रखता, कोई किसी पर गर्व नहीं रखता। उन्होंने अपने काम सही होने चाहिए हैं। जे संसार से यही चीज है तो असी साध संगत महाराज चंदा मैं जिन्होंने असं प्यार लेना है उन्होंने मैं प्यार के नाल असी अपनी आधारता बनानी है, अपना जीवन सफल करना है। तो असी क्यों किसी के गर्ज मन लाइए, असी अपनी गर्ज रखांगे, की गर्ज रखांगे, नाम जपांगे, सेवा करांगे डट के, आदर करांगे सबदा, सबदा सम्मान करांगे, जी आया आखांगे, जे कुछ सरेगा तो जरूर देंगे, देन तो भी संकोच नहीं करांगे। देखा है संसार के अंदर हिस्ट्री पढ़ के भी तुम देखोगे, अपने जीवन की धारा के तजुर्बे नाल भी तुम देखोगे, जेड़े सेवा विच आ गए, नाम विच आ गए, प्यार विच आ गए, ब्रदरहुड विच आ गए, हर एक नूं अपने नालों उच्चा समझिया, उच्चा समझ के उन्हें सत्कार पेट किया, वो कभी घाटा नहीं खा के गए इस संसार के विच आए, और ना ही कोई खांदा है। किन्ना बड़ा करम दानी सी उहदा नाम है। होर बहुत सारे दानी होए हैं, साढ़े अवतार हुए हैं, उन्होंने जीवन पढ़ के देख लो, होर ऋषिया मुनिया के जीवन पढ़ के देख लो, राजे महाराजे बादशाह के जीवन पढ़ के देख लो, जिन्होंने इस पदार्थ से काम किया है उन्होंने बड़ी सफलता हुई है, उन्होंने नाम सुनहरी लफ्जों में लिखे जा रहे हैं। असी भी तो उन्होंने वर्ग ही हैं, असी भी पंच पंचतत्व के बने हुए हैं, साड़ी कालना घट है, और कालना पालन वास्ते असी इस परिवार के आने हैं, और अपने दुखों नूं दूर करने वास्ते आने हैं, तो सुख लैण वास्ते आने हैं। तो जिहड़ियां संसारी मंगां हन वो असी पूरियां करवाउण वास्ते आने हैं। गुरु साहब नालों वड्डा कोई देण वाला कोई होया नहीं। गुरु नानक सर्व कला समर्थ हन, जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोईओ सोई दे रहे, सोई सोई दे रहे। हम तुम देख लो कि असी किस किस प्रकार के दरबार में बैठे हैं, इस दरबार की बरकत द्वारा असी अन्ने कट्ठे हो जाने, सारा दिन असी उत्थे बिताने वास्ते तैयार हो जाने, साडे कारोबार का घर इन कालियां इन्नी फास्ट लाइफ है, देखे आके असी सुन हो जाने सच्चे पातशाह के चरणों के नाल लगन वास्ते लगे हुए हैं। यह नहीं है, मैंने बहुत सारी संगत लगी हुई लगती है, और मैंने पक्का भरोसा है कि साहब श्री गुरु नानक देव जी ये जी संगत प्यार और सत्कार के नाल इतने कदम करके आई है उन्होंने जरूर बरकत देंगे। सुपाल यह हो गया कि असी जिस वेले आना है सच्चे पातशाह के चरणों के ध्यान रख के उन्होंने नाम लेंदे आना है, सर्व रोग का औखद नाम। तो इतों जिस वेले अमृत मिलना है और बख्शिश वाला अमृत है, हुक्म अनुसार मिलता है, दिन दिता जाता है, ते ओ सोने ते सुहागे का काम कर दिंदा है। मैनू याद है एक इंस्टांस नहीं, बहुत इंस्टांसिस याद हैं। कई दफा संगत प्यार दे विच आके दसदी है, किसे संगत नूं कोई अजिहा रोग सीगा, उह सच्चे पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे दरबार जाया करदे सन, नित निमी सन, प्यार ना नंगे पैरी कदम कदम करके जाया करते सी। सच्चे पातशाह सुपने च दर्शन दिंदे हन, किन्ने भाग उच्चे उस संगत दे,
दर्शन दिते और क्या कि साडा अजीब दरबार है, उसे जाओ उसे जाके अमृत लाओ, जो बचन वो करे वो पूरे होंगे, थोड़ा कलेश दूर हो जाएगा। वो साढ़े सतगुरु श्री हर कृष्ण से आइए जिस डिठिया सब दुख जाए, नच की कमियां कोई कमी नहीं। यह है कि जरा पिता है वो अपने बाला को उचिया करना मंगता है, और उचिया करने के वास्ते डाइवर्ट कर देंगे हम। की कमियां शीशगंज साहब, की कमी है रकाबगंज साहब, कोई कमी नहीं। जो चीज मंगो उतो हासिल होती है, लेकिन अजिहे जे इंस्टांसिस बहुत सारे हैं। मैं बेनती करांगा सात संगत के अगे भी कि सात संगत जी जड़िया इंस्टांसिस होया करती हैं वो सानू जरूर लिख के भेज दिया करो। ये साडा भी उत्साह बढ़ता है, आप जी नू भी रहमत मिलती है। बलिहार हैं सच्चे पातशाह तो, उस गद्दी तो कुरबान है जिहड़े इन्नी मेहर करते हैं। हुण आप इत्थे बैठे हैं, बड़े दूर दराजे आए हैं, असी जिवें मैं कहा सीगा कि जिन्हां दे रोग नहीं लैंदे असी देर साहब जाने, माफ करना। इहदे नाल मैं होर ऐड करदा कि जिन्हां दे रोग लै जांदे हन ओह खुशियां दे नाल उन्हां दे दर्शन करना मंगदे हन, ओह स्थान दे दर्शन करना मंगदे हन, उत्थे सेवा करना मंगदे हन, उत्थे लंगर दे विच हिस्सा पाउणा मंगदे हन, इस करके जांदे हन। उत्थे संगत कोई हजार दे लगभग सेवादार हो जांदी है, और उस सवेर तो लैके धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक नाम लैके आटे दियां बोरियां हाथ लाउंदे हन, आटा गुंदे हन, मल के जिथे वेले जांदे हन, पेड़े बनदे हन, जिथे फुलके बनदे हन उत्थे तक पहुंचाए जांदे हन। लाइनां दियां लाइनां लगियां होंदियां, कोई आपो ताप नहीं हुंदी। वह जिहड़ा लंगर है वह जिहड़े दुखी उत्थे आउंदे हन वह उन्हां दे दुख भी कटदा है। और फिर किसी लंगर चले जाओ आप ताप पै जाती है जिससे लंगर बरतता है। यह लंगर जिहड़ा तहमल ना बनाया जाता है, सच्चे पातशाह का नाम लैके बनाया जाता है, और शब्द पढ़े जाते हैं, धन गुरु नानक दियां तोना लगदियां हैं। जिससे लंगर तैयार हो जाता है तो सात संगत आपे तुर पैंदी है, और एक डार दे विच 1500 ते लैके 1800 तक आपे ही आके विराजमान हो जाते हैं, बाकी बाहर खलो जाते हैं। और 10 मिनट दे विच धन गुरु नानक भी करते हैं, लंगर भी छकते हैं, तो दूजे पास से निकल जाते हैं, जिसे खाली होता दूसरी संगत आपे ही आके लाइना ला लेंदी है। और इसी तरह इस सिलसिला चलता है। हुण ये देखो इहोजी तिरता कित्थे मिलती है, उथे मिलती है जिथे सच्चे पातशाह जी बहुत दयालता है, उन्हां दी नजर है, उन्हां दा प्यार है, उन्हां दा सत्कार है, और उन्हां देन देनी है, कोई बहाना बना के उन्होंने साडे ते देन थ्रस्ट करनी है। असी कमाउण जोगे नहीं है कुछ भी, उन्हां दी देन है सब। मैं आप जी पास नस के आया है थाईलैंड तो, और मेरे नाल थाईलैंड की संगत भी आ गई पिछे पिछे, मैं देख के हैरान हो गया किन्नी खिच होएगी, किन्ना प्यार हो गया। असी लोग जब अपने सतगुरु की सेवा निष्कामता नाल करते हैं, जब असी अपने सतगुरु का नाम निष्कामता नाल जपाने हैं, जब असी अपने सतगुरु के बाणी का कीर्तन निष्कामता नाल करते हैं तो जब असी लंगर सारे निष्कामता नाल लाने हैं, कोई किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं होंगी। जिहड़ा तुसीं सच्चे पातशाह दे चरणां च पेट कीता हुंदा नजराना उहदा लंगर बन जांदा है। इह दरबार दे विच सब तों वाधा है कि इह कोई नजराने नहीं एक्सैप्ट करदा किसे पासों, इह केवल सच्चे पातशाह दी
देन दे हिसाब ना इस संगत दे मन दे विच बड़ा भरोसा सत्कार है और जेड़ियां भुखा है संसारी वो खत्म हो चुकिया हैं। संसार की जी भुख है पर भी लैलवा यह भी लैलवा लेकिन साध संगत की नाम जपने करके सारी तृष्णा जी खत्म हो जाती है। नाम दे जपने करके तृष्णा मिट जाती है। नाम दे जपन करके वो कि नाम सच्चे सतगुरु का साहब श्री गुरु नानक देव जी का वो इस वेले बानी हैं इस साढ़े संसार के वो मालिक हैं वो ही करता करता है हर एक चीज उत्ते पास होकर आती है। मेरे मन में बड़ा प्यार सत्कार है जे इन्ना प्यार सत्कार है मैं फील करदा मैं कई दफा मंग मंग चुका कि महाराज जी हो ये जी सात संगत विराजमान होंगी इतने आके जेड़े अपने आज के नाम के प्यार के नाल जुड़ के बहिंदी है उन्होंने भी इदा नहीं करते जिदा का मैं ताकि जिथे भी कट्ठे होइए असी मिलकर उस ही धारना के तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक की धुनी ला के अपने जन्म सफल करिए और उन्होंने चरणों के को जा दईए। यही भुख है इंसान को यह संसार की जी यात्रा है जीवन यात्रा वह मंत्र भी यह है कि जी सू असाइनमेंट उन्होंने दिती है बाल गोपाल साधना दे देते हैं मित्र दोस्त देते हैं रिश्तेदार देते हैं उन्हों की सेवा करद्या हो सच्चे पातशाह का नाम लेंद्या हो अपना पार उतारा कर जाइए। सर मैं आप जी यही कहना सी मैं बड़ा प्यार आया सी आप जी साथ संगत का तो मैं आप जी ने सारिया सीधिया गल् दसिया हाँ कई और इस आशा के नाल कि सात संगत जी तुम वांझे क्यों रह रहे हो मैं यह नहीं समझ आए साढ़े कम च देर क्यों है यदा मतलब यह हो गया कि असी हुक्म मनण तो कित ना कि कोताही करते हैं यार जिन्ना सानू साढ़े पासों एक्सपैक्ट किया जाता है उस तो घट जपते हैं आपने नाम वध तो वध जपना है और अपने जिहड़े सारे कल कलेश है वह दूर करवाने हैं सच्चे पातशाह दे नाल तो महाराज के चरणों च प्यार रख के मन की उदारता रख के सेवा रख के सत्कार रख के आप जी जिन्हें जाना है वह नाम लिखा देना तो हुण हुक्मनामा होएगा सारी साध संगत इस तरह बैठी रहे जिस तरह तुम मैं सुन रहे हो इस तो बद शांति दे नाल थानू सच्चे पातशाह का हुक्म सुनना चाहिए और तुम ये देखो ये जायजा लाओ कि मैं कि कोई गलत तो नहीं गल कर गया ये सच्चे पातशाह मोहर लाएंगे जिस वे मोहर लग जाएगी तो आप जी ने भरोसा हो जाना चाहिए है कि ये बचन झूठे नहीं हैं ये बचन सच्चे ही चल रहे हैं और दरगाह तो आ रहे हैं और थानू सारी संगत में प्यार मिल रहा है सत्कार मिल रहा है जरा थोड़े काट है मन की अवस्था के तन की अवस्था के संसार की अवस्था के पूरा होना है। कोई साध संगत का बच्चा सियाना जिस तरह जम के बैठा है इसी तरह बैठा रहे हिलने की कोशिश ना करे और जब तक प्रसाद नहीं मिल जाता उन्नी देर तक सानू हिलना नहीं चाहिए यह सतगुरों के हुक्म है। अज मैं आप जी ने गुरां की उस्तत गुरां के चरणों च विचरण की अवस्था दसनी सी पर मेरा मन थोड़ी अदालता चला गया तो मैं आप जी ने कह के अपना टाइम गुआ लिया चाहे अपना टाइम बना लिया ए जज तुसी आप हो या मैं यह कह सकता कि आप जी किसी के मन दे विच साध संगत दे विच मैं स्पष्ट भी कर सकता उन्हां दे विच बहुत उदारता सी अज मैनू सुनन दी और बहुत सारी संगत नूं ते पता सी कि बाहर गए उन्होंने संडे नूं नहीं आना इस करके संगत
कुछ घट दिसदी है, यह कभी अपने मन च अवस्था ना लिया। दरबार के जिस निशान साहब देख लो कि बेनती करोगे सुनूंगे, किसी मौके भी करो सुनूंगे, वक्त नहीं है। अकाल पुरख सतगुरु 24 घंटे आप जी की सेवा और आदर विच खड़े हैं, वो देखते हैं कि साढ़े बच्चे कितने कोई तकलीफ तो नहीं। जिस वे मां बच्चे के कोल सुखी सुती है पता कि गहरी नींद है, जिस वे बच्चा चंद मारता तो एकदम उठ करती हाथ रख दी बच्चे के उत्ते। इस प्रकार जे साडा लिंक जे साडा प्यार सत्कार सच्चे पातशाह दे चरणां दे नाल जुड़ गया, वह भी सानू कोई तकलीफ नहीं होन देंगे और ना ही दिंदे हन, ना ही कभी उन्हें दिती है। सो एक कर्म दे विच असी अपनियां जिंदगियां सफल कर जावांगे और जेड़ा यह तूफान आ रहा उहदे विचों बच जावांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सज्जन सच्चा पातशाह जिस पास बैठिया सोई सबना दावे साहो सो पाठ अनुगुण से भी साज सवाए दर्शन पासी है गुरु का जन्म मरण दुख जाए दर्शन पासी है गुरु का जन्म मरण दुख जाए सूही महला पहला तन तन श्री गुरु नानक देव साजियो पांडा हच्छा सोए जो जिस पावसी पांडा हत मनीर तोता हच्छा न होए सी पांडा हच्छा सोए जो जिस पावसी पांडा रत मनीर तोता हच्छा न होए सी गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी एक द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जान जाए अगे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वरताए सी चंडिया पक्षू जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या बेचारा ते लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी मानस क्या बेचारा ते लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।